स्पीड न्यूज के पेश करदा है प्रिंस मैजेस्टिक वेडिंग मॉल SYJ कॉम्प्लेक्स चारमीनार। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं खलील फरहत। प्रोग्राम बादशाह वक्त के लेटेस्ट एपिसोड में देखिए सल्तनत उस्मानिया के पहले हुक्मरान सुल्तान उस्मान गाजी की जिंदगी की मुकम्मल दास्तान। वीडियो की लिंक नीचे दी गई है, जरूर देखिए और शेयर करिए। आइए अब देखते हैं 2 अगस्त की 25 अहम खबरें। तुर्की के जंगलों में लगी आग पर पा लिया गया काबू, 8 अफराद हलाक जबकि 270 से ज्यादा हुए जख्मी। आग लगने के पीछे साजिश के भी जाहिर किए गए इम्कान। इसराइल के जेर कब्जा इलाके शेख जर्राह में 4 फलस्तीनी शहरियों को गोली मारकर शहीद करने पर फलस्तीनी जंगजुओं ने दी धमकी, कहा इसराइल की कब्जा की हुई जमीन को यहूदियों के लिए बना देंगे जहन्नुम। इंडियन ओशियन में अमेरिकी ऑयल टैंकर पर मुबैना ड्रोन हमले का ईरान पर लगाया जा रहा है इल्ज़ाम, इसराइल ने बताया ईरान को दुनिया के लिए खतरा, तो अमेरिका ने दी ईरान को संगीन नतायज भुगतने की धमकी। खंदार पर कंट्रोल के लिए तालिबान ने अफगान फोर्सेस पर हमले किए तेज, हरात शहर और इसके अतराफ जारी घमासान की लड़ाई में आम शहरियों समेत अफगान फोर्सेस और तालिबान जंगजुओं की बड़े पैमाने पर हुई हलाकत है। अमेरिका पर अब इराक से निकल जाने के लिए बढ़ा दबाव, अमेरिकी फौजियों पर मुसलसल हमले जारी, अब इराक के शहर हला में अमेरिकी फौजियों के काफिले पर हुआ हमला, अमेरिकी फौजियों में दौड़ी खौफ की लहर। दुनिया भर में फिर एक मरतबा कोरोना का बढ़ता असर, डेल्टा वेरिएंट 96 कंट्रीज में फैल गया, ऑस्ट्रेलिया से फिलिपाइन तक लॉकडाउन लगाने का हुक्म, किए जा रहे हैं हंगामी इकदाम। IIT हैदराबाद कानपुर के एक्सपर्ट्स ने जारी की अपनी रिसर्च रिपोर्ट, कहा कोरोना की तीसरी लहर इसी महीने अगस्त में आएगी, अक्टूबर में होगी पीक पर, सेकंड वेव के बारे में भी इन एक्सपर्ट्स ने दी थी सही जानकारी। कोविड वैक्सीन ले चुके लोगों को लोकल ट्रेन में सफर की इजाजत क्यों नहीं दी जा सकती, बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र हुकूमत से पूछा सवाल। उत्तर प्रदेश में इस साल 19 अगस्त को मुहर्रम के दौरान जुलूस और ताजिया निकालने की परमिशन ना देने वाले सर्कुलर पर खड़ा हुआ तनाजा, यूपी के DGP ने कहा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुहर्रम जुलूस पर लगाई पाबंदी, किसी के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं है मकसद। उत्तर प्रदेश में इंटरमीडिएट स्कूल अगस्त के सेकंड वीक के बाद खुलेंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटी भी 1 सितंबर से खोले जाएंगे, पंजाब में हर क्लास के लिए खुल गए स्कूल। पेगासस मुद्दे को लेकर मोदी सरकार को घेरने की अपोजिशन की कोशिश, करेंगे मॉक पार्लियामेंट, तो राहुल गांधी ने अपोजिशन MPs को बुलाया नाश्ते पर। अपोजिशन के सख्त दबाव के दरमियान मोदी सरकार पर अब दबाव बनाएंगे उनके ही दोस्त नीतीश कुमार, नीतीश कुमार ने पेगासस मामले की जांच का किया मुतालबा। अपोजिशन के हंगामों के दौरान भी 10 दिनों में मोदी सरकार ने पास किए 12 बिल, ममता हुकूमत में MP डेरेक ओब्रायन ने मोदी सरकार पर किया तंज, कहा कानून बना रहे हैं या पापड़ी चाट। मुलायम सिंह यादव से मिले लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह से बातचीत करते हुए कहा मुल्क को आज सरमायादारी और फिरका परस्ती नहीं बल्कि सोशलिज्म की है जरूरत। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों को सरकारी नौकरी और पासपोर्ट ना देने पर महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार पर लगाया जम्मू कश्मीर को पुलिस स्टेट में बदलने का इल्जाम, तो कांग्रेस ने कहा पत्थरबाजों पर दोहरा रवैया अख्तियार कर रही है BJP। मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शिवसेना कारकुनों का फूटा, PM मोदी के करीबी अडानी पर गुस्सा, एयरपोर्ट का मैनेजमेंट संभालने वाली अडानी ग्रुप का बोर्ड एयरपोर्ट पर लगाने से नाराज, शिवसेना कारकुनों ने तोड़ दिया। दरिया कृष्णा के पानी के तनाजे का हल आपसी बातचीत के जरिए निकाला जाए, तेलंगाना और आंध्र के दरमियान कशीदगी के मसले पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमना ने दी हिदायत। नागार्जुन सागर के दौरे के मौके पर मरकज की मोदी और आंध्र की जगन सरकार पर KCR ने लगाए इल्जाम, मोदी सरकार को बताया तेलंगाना मुखालिफ, तो AP पर लगाया गैर कानूनी तौर पर रियासत को कृष्णा सागर से पानी देने का इल्जाम। बाय इलेक्शन वाले हल्के हुजूराबाद से KCR की दलित बंधु स्कीम शुरू करने की राह हुई आसान, दलित बंधु स्कीम के खिलाफ अर्जियों की फौरी समाअत से तेलंगाना हाईकोर्ट का इंकार। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर पुनाला लक्ष्मैया का CM KCR पर तंज, कहा नेशनल लेवल पर नहीं देखा CM KCR जैसा चीफ मिनिस्टर, KCR को बाय इलेक्शन का CM करार दिया। TJS लीडर प्रोफेसर कोदंडाराम ने खाली पोस्टों पर भर्ती को कैबिनेट से मंजूरी न मिलने पर जाहिर किया अफसोस, तेलंगाना के करीब 4,000 से ज्यादा खाली पोस्टों पर फौरी भर्ती करने का किया मुतालबा।
तेलंगाना के हुजूराबाद में बेरोजगारी से तंग आकर खुदकुशी करने वाले नौजवान मोहम्मद शब्बीर के अफराद खानदान को बीजेपी लीडर एटेला की जानिब से 2,00,000 रुपए की रकम की गई हवाले। बीजेपी लीडर शोभाने की मुतासर खानदान से मुलाकात, केसीआर पर लगाए संगीन इल्जाम। तेलंगाना में फिर बारिश के आसार, अगले 5 दिनों के दौरान तेलंगाना के कई मकामात पर होगी बारिश। महकमा मौसमियात ने अपने बुलेटिन में की पेशकयासी, मानसून के कमजोर हो जाने का भी किया जिक्र। टोक्यो ओलंपिक में अब भारत की बेटियों ने रकम की तारीख, ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हरा कर सेमीफाइनल में बना ली जगह, अर्जेंटीना से होगी सेमीफाइनल में टक्कर। सोना खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर, सोना 325 रुपए की कमी के साथ हुआ 48,430 रुपए फी 10 ग्राम, तो चांदी के 1 किलो की कीमत में हुई 117 रुपए की गिरावट। ये थी 2 अगस्त की 25 अहम खबरें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। देखते रहिए बीबीएन चैनल। स्पीड न्यूज के पेश करदा हैं प्रिंस मैजेस्टिक वेडिंग मॉल, एसवाईजे कॉम्प्लेक्स, चारमीनार,